जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल से शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों आज का विचार जो शेयर कर रही हूँ उसका टॉपिक है विश्वास। दोस्तों वैसे तो मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। अंधविश्वास से मेरा मतलब हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना है। दोस्तों विश्वास एक ऐसी चीज है जिससे सारी दुनिया चल रही है, रिश्ते जुड़े हुए हैं। मान लो एक बेटी पर उसके पिता का अटूट विश्वास है कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती और वह अपनी बेटी को खुली आजादी दे देता है। बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी गलत आदतों का शिकार हो गई है, तब उस पिता पर क्या बीतेगी जिसने अपनी बेटी पर अटूट विश्वास किया। दोस्तों मैंने सिर्फ ये उदाहरण इसलिए दिया है कि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। हम कभी न कभी दूसरों पर इतना विश्वास करने लगते हैं कि उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, बट ये गलत है। हमें विश्वास करना चाहिए पर समय समय पर उसको चेक भी करते रहना चाहिए और विश्वास कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पहले उस इंसान को जांचें परखें फिर विश्वास करें। तो कैसा लगा आज का मेरा विचार अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। दोस्तों आज की कथा में सूर्य ऋषियों को नैवेद्य और बेलपत्र का महत्व बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा नैवेद्य और बेलपत्र का महत्व, एपिसोड 21 शिव पुराण। ओम गण गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। शिव जी के अनन्य भक्त दृढ़ निश्चय और सत्यव्रति शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव साजु युज की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण कर लेना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वोड़लिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य अग्राह्य होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह्य होता है। मतलब कि जो लिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है नैवेद्य उसको नहीं खाना चाहिए, पर जो लिंग के इधर उधर रखा हुआ प्रसाद होता है वो खाने योग्य होता है। अब बिल पत्र का महत्व सुनिए। हे मुनियों, यह बिल महादेव जी का ही स्वरूप है। जो बिलपत्र होता है उसे महादेव जी का ही रूप मानते हैं। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ विल्व में ही निवास करते हैं। विल्व के मूल में लिंग रूप अव्यव्य शिव का वास होता है। जो व्यक्ति विल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति विल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छुटकर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता। तो दोस्तों ये हो गई शिव जी के नैवेद्य की बात। अब अगली कथा में हम शिव नाम की महिमा को जानेंगे। तब तक आप लोगों से विदा। ओम नमः शिवाय।